राष्ट्र के लिए, किसानों के लिए, और यहां से लेकर के चना के कितने उपयोग हैं यदि जान लें तो हम जो है निरोगी जीवन केवल चना को ही अपना करके जी सकते हैं। चना का मतलब बताने का मेरा मकसद ये था, इसलिए चना पर मैं फोकस इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब चना ज़्यादा होगा तो आज देखा होगा कि नमकीनें जितनी आ रही हैं कितने प्रकार की आने लगे मालूम है, नमकीन में कलर मिलाया जाने लगा है बेसन का रूप देने के लिए पीला कलर, चावल पीस देंगे मटर का भी उसी में मिला देंगे। तो चना के बारे में जितना होगा फोकस आप लोगों के माध्यम से किसान चने की बीज के लिए उठा के लिए तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मांगेगा तो कभी दादा हम चना केवल क्लास का मूल है वो कड़ा दवाई ऐसी दे रहे हैं हमारे बताने का मकसद था आपके दिमाग में चना और मूंग। अब जब भी जो है कोई आएगा चना की बात आएगी तो बोले चना के लिए कम से कम आधे घंटे तक हमें पेरा देगा, चना तो हमसे भूल ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए चुनाव के समय जब सामग्री दी जाती तो कहा जाता कि आप मिलान कर लीजिए इसमें कोई कमी ना हो, एक हेडमास्टर साहब की लगी थी ड्यूटी तो जो क्रमांक एक साथ में दिया जाता है तो उसने जब मिलाया तो एक भारत ब्लेड आती थी उसमें वो जंग लगी हुई, तो मास्टर साहब ने कहा कि आप सामग्री क्या मिलाई जिसमें तो जो है भारत ब्लेड है ही नहीं, बोले तो दूसरे ने कहा कि ब्लेड ला के बोले वो क्यों नहीं लाए जो सामग्री उस वक्त दी गई थी चुनाव के लिए समय। अब उन लोगों ने क्या किया कि एक हास्य के रूप में आपस में साथी बोले मार साहब ब्लेड की बात करते तो एकदम चिढ़ते हैं मार साहब, ये कहा बोले कहा मार साहब ने सुना कि आपकी सामग्री में ब्लेड नहीं थी तो हम अपने उसमें से लिए देते हैं किट में से निकाल कर दिए, बोले तुमसे किसने कहा मुझे ब्लेड की जगह बोले कि